हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तमजीद आलम और स्वागत है आप सभी का TSGK क्लास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माप तौल के विभिन्न मात्रकों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, लंबाई का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और इसका प्रतीक केजी है। अगला क्वेश्चन है, समय का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब है, समय का मात्रक सेकंड होता है और समय का प्रतीक यश होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और इसका प्रतीक जे है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसका प्रतीक ए है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिक ताप का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है, ऊष्मा गतिक ताप का मात्रक केल्विन है और इसका प्रतीक के है। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है और इसका प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है और इसका प्रतीक CD है। अगला क्वेश्चन है, कोण का मात्रक क्या है और इसका प्रतीक क्या होता है? इसका सही जवाब है, कोण का मात्रक रेडियन होता है और इसका प्रतीक रेड है। अगला क्वेश्चन है, ठोस कोण का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है और इसका प्रतीक SR है। अगला क्वेश्चन है, बल का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसका प्रतीक N होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है और इसका प्रतीक क्या होता है? इसका सही जवाब है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर है और इसका प्रतीक m² है। अगला क्वेश्चन है, आयतन का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है, आयतन का मात्रक घन मीटर है और इसका प्रतीक MQ है। अगला क्वेश्चन है, चाल का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका प्रतीक MS-1 होता है। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है, कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है और इसका प्रतीक RS-1 होता है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या होता है और इसका प्रतीक क्या है? इसका सही जवाब है, दाब का मात्रक पास्कल होता है और इसका प्रतीक PA है। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन था, लंबाई का मात्रक क्या होता है
और इसका प्रतीक क्या है? तो इसका सही जवाब है, इसका मात्रक मीटर होता है और लंबाई का प्रतीक यम होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।